हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। आज मैं आप लोगों को देखिए एक बड़ा प्यारा सा एक कलर का पैटर्न बताने वाली हूँ। ये पैटर्न इस तरह से दिख रहा है। ये इस पैटर्न के राइट साइड और ये इस पैटर्न के बैक साइड। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, जेंट्स स्वेटर पे डालें, लेडीज़ कार्डिगन का तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, और ये बच्चों के स्वेटर पे भी डल सकता है। आप चाहो तो इसको पूरा इस तरह से आगे जितने फंदे हों हम डालते जा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सिर्फ इतना पार्ट भी हम एक स्वेटर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी मैं पिक लास्ट में दो या तीन पिक डाल दूंगी। सेंटर में भी डाल सकते हैं, पूरा सिर्फ इतना सेंटर में ये वाला पोर्शन हम बना सकते हैं। और अगर हम कार्डिगन बना रहे हैं या जैकेट बना रहे हैं तो जैसे ये बॉर्डर के साथ सिर्फ इतना पार्ट, तो लास्ट में मैं ये इसकी पिक डाल दूंगी। तो अब हम इस पैटर्न को बनाना सीखते हैं। ये पैटर्न राइट साइड से शुरू होगा और 10 सिलाइयों में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए जो मैंने फंदे डाले हैं 17 के मल्टीपल प्लस दो फंदे एक्स्ट्रा। तो चलिए अब हम इस पैटर्न को शुरू करते हैं। तो इसके लिए ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे डाल रखे हैं। तो बॉर्डर के बाद जो पहली सिलाई आएगी वो इस तरह से आएगी। पहला फंदा एज वाला, आपकी मर्जी अब उतार लीजिए। उसके बाद दो फंदे उल्टे और इस तरह से जाली डालेंगे। दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से, पहले ये फंदा पलट के और बैक से दो फंदों का एक कर देंगे, और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, और दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे से, और इस तरह से जाली डालेंगे, दो फंदे उल्टे। तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। दो फंदे उल्टे, जाली डाली दो का एक, फिर चार फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, दो का एक, जाली डाली दो फंदे उल्टे। तो अब रिपीट पैटर्न शुरू होगा। दो फंदे उल्टे, चार फंदे जाली डालेंगे और पहले दो का एक करेंगे यहाँ पे, इस तरह से बैक से, और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, और दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से आगे से, और जाली डालेंगे और दो फंदे उल्टे। लास्ट हमारा एज वाला फंदा। पैटर्न की सेकेंड रो बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमने इसमें। इस पैटर्न का इजी ये है कि बैक साइड से सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टी आने वाली हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस। पैटर्न की थर्ड रो फ्रंट साइड, पहला फंदा एज वाला है। उसके बाद दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और इस तरह से जाली डालेंगे और दो फंदों का फिर से एक करेंगे इस तरह से पलट के,
तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से आगे से, और इस तरह से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे। तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, और अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से बैक से, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और दो फंदों का एक करेंगे आगे से, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, लास्ट हमारा एज वाला फंदा। फोर्थ रो बैक साइड, पूरी सिलाई इसमें उल्टी बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, अब हमारी पैटर्न की फिफ्थ रो फ्रंट साइड। पहला हमारा एज वाला फंदा, उसके बाद दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, और इस तरह से जाली डालेंगे और फंदे को पलट के दो का एक करेंगे बैक से, और दो फंदे फिर से सीधे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, दो का एक करेंगे आगे से, और इस तरह से जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे। यहाँ हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, और वैसे बीच में ये हमारे हमेशा चार फंदे उल्टे रहेंगे। फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे पलट के, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, और दो का एक करेंगे आगे से, जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, लास्ट एज वाला फंदा। सिक्स्थ रो बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमने,
अब पैटर्न की 7/8 रो फ्रंट साइड, 7th रो है सॉरी, पहला फंदा एज वाला, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे इस तरह से, और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो का एक करेंगे फ्रंट से, जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, बीच के चार फंदे अब हमारे उल्टे, दो तीन चार, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, दो का एक करेंगे आगे से, जाली डालेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, लास्ट हमारा एज वाला फंदा। पैटर्न की 8th रो बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमने, पर्ल ऑल द स्टिचेस, नाइन्थ रो फ्रंट साइड, पहला फंदा एज वाला रहेगा, उसके बाद दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, जाली डालेंगे और इसको पलट के दो का एक कर देंगे बैक से, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो का एक करेंगे आगे से, जाली डालेंगे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन, सॉरी चार हो गए बीच में, धागा पीछे, अब चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, इस तरह से जाली डालेंगे और दो का एक कर देंगे इस तरह से बैक से, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो का एक करेंगे आगे से और इस तरह से जाली डालेंगे, चार फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, लास्ट दो फंदे उल्टे और ये हमारा एज वाला फंदा। पैटर्न की 10th रो बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमने,
तो ये देखिए इन्हीं 10 सिलाइयों को हमें बार बार फिर से रिपीट करना है। अब हमें फिर से फर्स्ट रो से पैटर्न को स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से ये देखिए एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैटर्न पसंद आएगा और इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर लाइक कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ।